बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं और उन्हें कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, सर अगर हम 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कितने दिन तक करने के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत सारे भाइयों का कहना है कि क्या शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। तो आज मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगा कि 7 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपको क्या चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या फायदा देखने को मिलेगा। आप लोगों को फायदा बताने से पहले मैं आपको आपकी कुछ सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बता दूं जो कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कर रहे हो। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 10 दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से नहीं किया, फिर भी वो लोग जानना चाहते हैं कि 60 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा। पहली बात तो आप जानना क्यों चाहते हो, 60 दिन में कुछ बदलाव होगा या नहीं। अगर बदलाव होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आप इतने दिनों से ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो, अपना कीमती वीर बहा रहे हो, तो आज तक इससे कुछ आपको फायदा मिला? ब्रह्मचर्य नाश से ऐसा कौन सा फायदा मिलता है जो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। चलो छोड़ो, ब्रह्मचर्य 60 दिन का पालन करने से क्या फायदा मिलता है ये आपको बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या आपने 60 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कर्म करने से पहले फल क्यों चाहिए। आपने वो कहावत सुनी होगी कि कर्म करते रहो फल जरूर मिलेगा, तो मैं भी आपको कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो, आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा और बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। पर फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं कि 60 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होगा, कोई फायदा मिलता भी है या नहीं। क्या आपको पता है अगर आप एक दिन वीर्य नहीं बहाते हो तो आपके शरीर के अंदर 12,506 कैलोरी ऊर्जा आ जाती है। तो आप लोग सोचो, अगर 60 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो कितनी ऊर्जा हम इकट्ठी कर सकते हैं। कभी आपने महसूस किया है जब भी आप ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उसके बाद कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, मानो बहुत थक गए हुए हैं, ऐसा लगता है। जिस इंसान के अंदर ऊर्जा नहीं होती है उसी इंसान के अंदर आलस भरी होती है और वो जो भी काम करता है उसको उसमें थकावट महसूस होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जिम में जाकर इतना पसीना क्यों बहाते हैं? क्योंकि जिम में एक्सरसाइज करने से ऊर्जा मिलती है। और आप लोग 12,506 कैलोरी ऊर्जा को एक ही दिन में 2 मिनट की खुशी के लिए बहा देते हो। बहुत सारे लोग ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। तो क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो? यदि आप 60 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर लेते हो तो आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, आपकी बॉडी के हर अंग में बदलाव देखने को मिलने लगेगा, आपके चेहरे में चमक आने लगेगी और आप अपने आप को अंदर से बहुत ही कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करने लग जाओगे। इस चीज को मैंने खुद महसूस किया है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि आप इतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो आपको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि हर इंसान को एक ही समय में फायदा देखने को नहीं मिलता है। पर मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने खुद फेल किया है। मुझे लगभग 1 वर्ष हो गए हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और मैंने इसका फायदा देखा है। मेरे फेस में पहले से ज्यादा ग्लो आ गया है और मुझे पहले से कई गुना अच्छा फील होता है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे आपको ऊर्जा शक्ति मिलेगी जिससे आप किसी भी काम पर आसानी से विजय पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।